अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपकी खिदमत में हाजिर है एक टेस्ट डिज़ाइन के साथ। व्यूवर्स ये देखें, ये इस तरह के फ्लावर बना के हम उनको अटैच करके एक लंबी सी लैस लगाएंगे। ये आप अपनी ये गद्दियों के डिज़ाइंस में और शर्ट डिज़ाइंस में, ये इनके व्यूवर्स ये अपनी मर्ज़ी से आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें अब हम आपको ये बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये पैराशूट के थ्रेड इस्तेमाल की है। तो ये दो कलर, ये इसके हमने अंदर ये कलर लगाया है ये वाला। तो अब दूसरा जो फ्लावर बनाना है उसके अब हम अंदर ये वाला कलर इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर सबसे पहले हमने ये नोट चेन बना ली, ये इस तरह से ये हमने नौ चेन बना ली। अब हमने 10 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10 चेन लेते हुए हमने इसको ये फर्स्ट वाले में इस तरह से हमने ये इस तरह से हमने अटैच कर लेना है। अब हमने एक चेन लेनी है और अब हमने ये जो सर्कल हमारा ये हमारे पास आ गया है, इसके अंदर हमने 23 दफ़ा सिंगल क्रोशिया लेना बगैर धागा लिए हुए। 23rd टाइम हमने सिंगल क्रोशिया लेना, 1, 2, 3, 4 व्यूवर्स, 23 दफ़ा हमने डबल क्रोशिया लेना है। व्यूअर्स 23 दफ़ा हमने लेने के बाद ये हमने जो लास्ट हमारा फर्स्ट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसके साथ हमने इसको इस तरह से ये अब हमने अटैच कर देना है। तो अब व्यूअर्स हमने 7 चेन लेनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये एक दो चेन छोड़ते हुए हमने ये थर्ड वाली चेन में इसको इस तरह से ये इस तरह से हमने अटैच कर देना है। ये व्यूअर्स ये देखें, 1, 2, 3 दफ़ा हमने इसको यही हमने रिपीट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये फिर हमने 1, 2 और ये थर्ड वाले में हमने इसको इस तरह से अटैच कर देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये उसी तरह से 1, 2 और ये थर्ड वाले में हमने इसको इस तरह से ये हमने इस तरह से अटैच कर दिया। अब व्यूअर्स हमने 27 चेन लेने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 व्यूअर्स हमने 27 चेन लेने, 1, 2 ये हमने ले लिए। तो अब हमने जो फर्स्ट वाले 7 चेन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 चेन, तो ये नीडल पर धागा लेते हुए हमने 8वीं चेन में हमने
ये इस तरह से हमने ये डबल क्रोशिया अपना बना देना है। अब हमने एक दो चेन लेनी है ऊपर, और ये एक दो, और ये तीसरे में हमने इस तरह से ये, फिर अब हमने दो चेन लेनी है एक दो, और ये थर्ड में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है, एक दो तीन। ये व्यूअर्स हमने पांच दफ़ा ये हमने करना है, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, ये देखिए व्यूअर्स हमने फाइव टाइम ले लिया। अब फिर हमने एक और ये दो चेन लेने, लेकिन अब हमने डबल क्रोशिया नहीं बनाना, ये एक दो और ये एक दो, ये इस तरह से। अब हमने एक दो तीन, ये चार चेन ली, और उसी तरह से एक दो तीन, ये थर्ड वाली चेन में हमने इस तरह से इसको अटैच कर देना है। और व्यूअर्स अब फिर उसी तरह से हमने 27 चेन लेनी है, और यही वाला हमने ये जो प्रोसीजर है ये वाला, ये हमने एक दो तीन चार, ये चार दफ़ा हमने इसी तरह से सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये हमने अपना चार दफ़ा ये चीज़, ये सब अपनी सारी डंडियाँ ये चार दफ़ा कंप्लीट कर ली हैं। तो अब हमने अपनी ये वाला स्टेप जो है वो बनाना स्टार्ट करना है। उसके लिए हमने ये दूसरे कलर वाला धागा इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप ये इस तरह से ये नोट चेन बना लें, तो ये हम ये वाला नीचे वाला स्टेप छोड़ते हुए, ये नीचे वाला स्टेप छोड़ते हुए हमने ये यहाँ से स्टार्ट करना है। इस तरह से ये इसको हमने ये इस तरह से हमने इसको अटैच किया, एक दो, ये दो चेन ले ली हमने। अब हमने इस ये दो चेन समेत हमने इसमें तीन दफ़ा ये डबल क्रोशिया बनाया, ये तीन। ये व्यूअर्स ये तमाम खानों में हमारे ये यहाँ तक हमारे ये जो खाने, इनमें हमने तीन दफ़ा ये डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन, एक दो और ये तीन, एक दो और ये तीन, एक दो और ये तीन। और ये जो हमारा ऊपर ये सिरे वाला जो है हमारा, इसमें हमने 13 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये आ गया हमारा लास्ट वाला 13। अब फिर उस तरह से हमने ये तीन तीन इनमें बनाए, एक
दो, ये तीन। अब फिर इसमें एक, दो और ये तीन, एक, दो और ये तीन, एक, दो और ये तीन। एक, दो और ये तीन। ये देखिए व्यूअर, ये हमने यहाँ तक अपना ये सारा कंप्लीट कर लिया। अब हमने इसी तरह से ही ये लेते हुए नीडल पर, ये क्रोशे पे इस तरह से नीडल पर धागा, तो हमने इसको अगले खाने में लेके चले जाने, ये इस तरह से, ये व्यूअर इस तरह से। अब फिर ये जिस तरह से ये हमने सारा अपना कंप्लीट किया है, उसी तरह से हमने अपने ये तीनों के तीनों कंप्लीट करने। तो चलिए अब हम इनको कंप्लीट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमने अपना ये सारा कंप्लीट कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं राउंड। ये इस तरह से ये हमने सिंगल क्रोशिया ले लिया, ये इसको हमने टर्न किया। व्यूवर्स, ये नीचे से हमने छः जो है ये खाने छोड़ने, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम इनको धागे को कट नहीं करना, तो इसलिए हमने ये सिंगल क्रोशे की मदद से बगैर धागा लिए हुए इसको बनाते हुए हमने ऊपर की तरफ जाना है। दो, तीन, चार, पाँच और ये आ गया हमारा छः। अब हमने यहाँ पे दो चेन ले लेनी है, ये दो चेन ले ली और नीडल पर हमने इस तरह से ये धागा ले लिया। और अब हमने ये डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देना है, ये इस तरह से व्यूवर्स। ये हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक हमने उसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए आना है। अब यहाँ पे हमने तीन दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है एक एक चेन में। ये देखिए, ये अब दो हो गए डबल और ये तीन, ये तीन हो गए व्यूअर्स। अब हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया लेना है, दो दफ़ा डबल क्रोशिया व्यूअर्स बनाना है, एक और ये दो। अब फिर उसी तरह से एक, दो, ये आ गया हमारा थर्ड और ये हमने इसमें एक और बना दिया, ठीक हो गया। अब हमने फिर इसी तरह से ये देखें, अब ये थर्ड वाले में हमने फिर से डबल क्रोशिया इस तरह से बना दी। अब फिर हमने ये एक, दो, अब
हमने इसमें ये डबल क्रोशिया मारा। अब फिर उसी तरह से हमने ये यहाँ तक व्यूअर्स, ये यहाँ तक हमने उसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना। हर एक चेन में एक दफ़ा ही डबल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने अपना यहाँ तक बना लिया। अब हमने ये देखिए, ये तीन ये छोड़ के छः, यानी कि हमने छोड़ते हुए ये हमने यहाँ से अपना ये डबल क्रोशिया बनाते हुए दोबारा से इसको स्टार्ट करें। नेक्स्ट में हमने इसी तरह से चले जाना है। तो व्यूअर्स, ये इसी तरह से हमने अपने ये चारों के चारों कंप्लीट करने। तो ये वाला ये जो प्रोसीजर हमने यहाँ इसमें इस्तेमाल किया है, इसमें वही हमने इन तीनों बकाया में भी इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब हम ये अपना कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने अपना ये सारा ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हमने अपना लास्ट वाला राउंड जो है वो स्टार्ट करना। उसके लिए हमने सबसे पहले ये तीन चेन लेनी है, एक दो तीन। उसके बाद हमने ये सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह से ये ले। अब हमने ऊपर एक दो तीन चार, ये चार चेन लेते हुए अब हमने इन दोनों के दरमियान में से निकालते हुए कि इस तरह से ये हमने पीकॉट बना देना। अब हमने एक चेन लेनी है और नीचे से भी हमने एक चेन छोड़ते हुए ये दूसरी चेन में हमने इस तरह से ये डबल क्रोशिया बना लिया। और फिर हमने एक दो तीन चार, ये चार चेन लेते हुए हमने इस तरह से ये पीकॉट बनाया। फिर हमने एक चेन ले ली, नहीं एक चेन छोड़ के ये दूसरी चेन में हमने इस तरह से ये डबल क्रोशिया लिया। और फिर उसी तरह से चार, ये व्यूअर्स इसी तरह से ये तमाम के तमाम चारों में हमने ये हमारा ये लास्ट वाला राउंड है। एक चेन छोड़ते हुए हमने एक पे ये डबल क्रोशिया बनाना है और उसके ऊपर हमने ये इस तरह से ये एक चेन ली और ये हमने एक चेन छोड़ी और ये हमने इस तरह से ये हमने अब हमने इसके ऊपर चार चेन लेते हुए एक दो तीन चार, ये चार चेन लेते हुए हमने ये इस तरह से ये इस तरह से ये भी बस इन तमाम में ये हमने इसी तरह से बनाना है। ये हमारा लास्ट वाला राउंड है। इसके बाद हम इनको आपस में अटैच करने का तरीका आपको बताएंगे। व्यूअर्स, ये देखिए हमने अपना लास्ट वाला राउंड सारा, ये हमने अपना सारा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। ये अब हमने इसको कट करके
देखिए बिल्कुल, ये इस तरह से ये हमने अपना ये तैयार कर लिया है। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इसको अटैच करने का तरीका भी बताएंगे। तो उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो व्यूवर्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।